हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक व्यूअर हैं जिन्होंने मुझसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सवाल पूछा है, और सवाल क्या है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने पूछा है हाउ टू सेट द फॉर्मेट ऑफ टेबल सो दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कम्स इन अपर केस, यानी कि हर शब्द जो आप नाम टाइप करें या कुछ भी टाइप करें उसका जो पहला शब्द आए वो अपर केस में आए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं, इसमें अलग अलग चीजें समझेंगे कि अपर केस कैसे आएगा, लोअर केस कैसे आएगा, और जो ये बात कर रहे हैं सेंटेंस केस वो कैसे आएगा, तो सबको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना है, ठीक है। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं। हम यहां से क्लिक करेंगे, ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यहाँ पे एक्सेस टाइप करता हूँ, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 है, अगर आपके पास ना हो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर दिया, यहाँ व्यू पे क्लिक करिएगा, टेबल वन के ही नाम से इसे हम रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आईडी आ रही है, चलिए आईडी को एज इट इज छोड़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम, तो ये लिखे एफ आई आर एस टी फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो ये हो गया फर्स्ट नेम। और फिर यहाँ पे हो जाएगा लास्ट नेम, तो यहाँ पे लिखा एल ए एस टी लास्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, दोनों लिख करके यहां से व्यू पे क्लिक कीजिए और यहां से यस कर दीजिए, ठीक है। अभी तो यहां पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखने का मौका हमें मिल गया है, तो चलिए लिखते हैं। जैसे मान लीजिए राम तिवारी, एक नाम लिख दिया राम तिवारी, ठीक है। और यहां पर लिखते हैं श्याम सिंह, ठीक है। थर्ड नेम लिखते हैं जावेद या हिना परवीन, ये लिख दिया। यहां पे लिखते हैं नगमा खातून, तो यहां पे कुछ नाम मैं टाइप कर रहा हूं, देख सकते हैं ना। यहां पे लिखता हूं मोनिका सिंह एस आई एन जी एच, देखिए यहां पे अलग अलग नाम मैंने टाइप किए हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये नामों को मान लीजिए अपर केस में करना है। देखिए आपके सवाल का जवाब देता हूं लेकिन लाइन से समझते हैं, पहले तो अपर केस में करना है तो क्या करेंगे, तो यहां पर क्या करना है, इसको पहले क्लोज करते हैं। क्लोज कर दिया तो यस कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। और यहां पर क्रिएट पे चल के क्वेरी डिजाइन पे जाना, ये जो क्वेरी डिजाइन दिख रहा है यहीं पे क्लिक करिएगा, और अब हम यहां पर क्वेरी बनाएंगे, ठीक है। क्वेरी बनाएंगे तो हमें फील्ड्स लेने होंगे, तो ये टेबल को उठा के यहां लेके आते हैं। तो हमें कौन कौन से फील्ड चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, और क्या चाहिए, लास्ट नेम चाहिए। दोनों को पहले कॉन्केटिनेट कराते एक साथ, ठीक है। कॉन्केटिनेट कराना बड़ा आसान है, यहां पर लिखते हैं फुल अंडरस्कोर नेम और यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं, ठीक है। अब जरा सा मैं थोड़ा सा इसको जूम व्यू पे लेके दिखा देता हूँ, क्लियर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है फर्स्ट नेम एफ आई आर एस टी अंडरस्कोर नेम एन ए एम ई, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट नेम, एंड लगाइएगा और फिर यहाँ लिखिएगा एल ए एस टी लास्ट अंडरस्कोर नेम। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, दोनों हो गया, यहाँ से ओके करिएगा। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से रन पे क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक साथ आने लगा, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आई होगी। देखिए अगर हम यहां पर जाकर के बीच में गैप दे देते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये जो क्वेरी हमने लगाई है इसको थोड़ा जूम व्यू पे ही लेता हूं, बेटर तरीके से दिखाई देगा। तो यहां पर अगर आप गैप देना चाहते हैं तो गैप भी दिया जा सकता है। कैसे देंगे गैप, देखिए यहां पर क्या करना है, एक बार ये इस तरीके से गैप दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर लगा दीजिए एंड, ठीक है, बीच में एंड लगा दिया। अब ओके करिए, जरा देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे गैप भी आने लगा, देख सकते हैं ना, यहाँ पे गैप भी प्रिंट हो रहा है, जितना गैप दिया था उतना गैप प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको पूरा ये अपर केस में करना है, तो इसके लिए क्वेरी लिखनी होगी, ठीक है। तो क्वेरी लिखने के लिए क्या करेंगे, क्वेरी लिखने के लिए हम अब इसको पहले क्लोज करते हैं, क्वेरी वन के ही नाम से ये सेव रहेगा, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर क्रिएट पे चलते हैं और फिर क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे आ गए। अब हम क्वेरी लेते हैं, इस बार क्वेरी को उठाया तो यहाँ फुल नेम को लेंगे, फुल नेम, ये जो फुल नेम है ना इसी को लेंगे और इसी में आप क्वेरी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ यू डबल पी ई आर अपर, अपर नाम दे दिया इसे, कॉलन लगाएंगे और कॉलन लगाने के बाद अपर नाम देंगे, देखिए यू डबल पी ई आर होगा अपर, और यहाँ कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद क्या करना है आपको, स्क्वायर अप, एक फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, यू केस का एक फॉर्मूला लगाइए, ब्रैकेट को ओपन कीजिए और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, क्योंकि फुल नेम हमें स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना होगा, अंडरस्कोर एन ए एम ई नेम, तो हो गया ये फुल नेम। अच्छा, जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही, स्मॉल कैपिटल का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बंद करिएगा
और यहां से रन पे क्लिक करिए। जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स में आ चुका है। कि अब प्रॉपर केस के लिए क्या करते हैं, यहीं पर इसी जो पहली क्वेरी बनाई थी इसी में मैं प्रॉपर केस भी लगा के दिखा देता हूं कि कैसे इसको करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं कर देता हूं पी सी कर देता हूं, सी कर देता हूं, दो बार सी कर देता हूं। चलिए अब ये हो गया। अब यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर लिखना है फुल नेम। क्या लिखना है, फुल अंडरस्कोर नेम। तो यहां पर ये फुल नेम लिखिएगा। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि फुल नेम जो फॉर्मूला है उसको लगाने से पहले, ठीक है, इसको यूज कर, चूंकि इसी को कन्वर्ट करना है तो इसको यूज करने से पहले हमें फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला हमें यूज करना है एसटीआर का। एसटीआर लिखेंगे, ठीक है, और क्या लिखेंगे, कन्वर्ट, कन्वर्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कन्वर्ट। तो यहां पे सी ओ एन वी, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे और ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और बस बाकी तो काम हो ही चुका है। इसको मैं थोड़ा सा जूम व्यू पे लेके दिखाना चाहता हूं ताकि आपको प्रॉपर ये दिखे कि किस तरीके से ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। हाँ यहां पर देखते हैं, इसके बाद लगाना है कॉमा और यहां पे लिख दीजिए थ्री, बस इतना कर दीजिए और यहां से कर दीजिएगा ओके। और अब बारी है रन करवाने की, तो यहां से रन करवा दीजिएगा। तो देखिए यहां पर प्रॉपर केस का भी फॉर्मूला एकदम तैयार है, आपका जो भी है वो प्रॉपर केस में आ गया है। अगर आप लोअर केस में चाहते हैं तो लोअर केस में भी हो जाएगा। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।